हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर और आप देख रहे हो वीडियो रिव्यू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालते आप लोग पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने छठ पूजा के महाशुभ अवसर पर चैत्र जो छठ होता है इस महीने पड़ा था तो मैंने वो छठ पूजा के कुछ ब्लॉग्स वीडियो शूट किया है जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी अपलोड कर देता हूँ। फिर शाम से मेरा रेगुलर वीडियो आता रहेगा और मेरे टेक्निकल चैनल पे बने रहिए। चलिए दोस्तों, बिफोर यूट्यूबर जो चैनल है। दोस्तों, ये हमारे छठ पूजा के छठ पूजा जो होता है उसमें हम लोगों का ऐसा ही भीड़ होता है। कार्तिक जो माह होता है, कार्तिक के छठ में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। दोस्तों, ये चैत का छठ है इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए दिखाऊं कि थोड़ा सा क्लिप से वीडियो कैसा है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, काफ़ी इसमें कमाल की बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ ये पोखरा है जो कि काफ़ी बहुत पुराना पोखरा है। वो सामने इति दिखाई दे रहा है जुआट जो काफ़ी 100 साल भी पुराना वो जुआट है जो कि मैंने अपने पूर्वजों से सुन रखा है। ताकि मैंने ये कोई जानता तो नहीं था बट मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, लोग बताते हैं कि ये बहुत दिन पहले का पोखरा है। तो मैं आप लोगों को सोचा कि इस वीडियो में के माध्यम से बताऊं और दिखाऊं कि हमारे यहाँ छठ पूजा के अवसर पे कैसे यहाँ पे लोग आते हैं और कितना ज़्यादा भीड़ होता है। देखिए, वो सामने एक जुआट दिखाई दे रहा है बीच में, वही है। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये वीडियो अच्छा लगता हो आप लोगों को तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ताकि आवाज मैंने छोड़ दिया था बट 12-13 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था। किसान का बड़ा होना इसलिए खेती भी करना जरूरी है। इसमें रबी फसल की किनारे खेती में लग गया था तो गेहूँ का आदर्श किया। फाइनली मैंने अपना काम पूरा कंप्लीट करके आज फिर अपने चैनल पर वापस आ गया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालते आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव कुसौली गांव में कितना अच्छा से चैत का छठ पूजा है, वहाँ पे कितने भीड़ होता है। तो मैंने ब्लॉग वीडियो यहाँ पे कुछ भीड़ थे इसलिए मैंने, हर साल ऐसे होता है कार्तिक में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसा था। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा ताकि कोई भी वीडियो ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ताकि आपने हमारे चैनल में आके अपने वीडियो को पूरे एंड तक देखा है और अपना प्यार दुलार दिया है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम कोई भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।